Hello everyone and welcome back to the sessions on strategic financial management. दोस्तों CA final के इस SFM class में हम सीखने जा रहे हैं bond valuation. Bonds या debentures क्या होते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं. These are fixed income securities. यानी ऐसी securities जिनमें एक fixed rate से आप interest income या investment income earn कर सकते हैं. Market कैसा भी perform करे ये सिक्योरिटीज आपको एक डेफिनेट रिटर्न्स देंगी. इसलिए इस टॉपिक को बहुत सारी एफएम की बुक्स में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के नाम से भी रखा गया है. सो बॉन्ड एंड डिबेंचर्स एज सच एक ही हैं. जनरली नोशन ऐसा होता है कि व्हेन इट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जब इस इंस्ट्रूमेंट को इशू किया है हम जनरली बॉन्ड्स कहते हैं, और किसी कंपनी ने इशू किया है तो हम उसे डिबेंचर कहते हैं. वैसे फाइनेंस की दुनिया में आप बॉन्ड कहिए या डिबेंचर कहिए, इट विल मेक नो डिफरेंस एट ऑल. दोस्तों बॉन्ड वैल्यूएशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स. यानी छोटी छोटी सिंपल सिंपल टर्म्स हैं बट इनका मीनिंग क्लियर ना होने पर आपको तकलीफ हो सकती है. तो चलिए पहले हम इन छोटे छोटे टर्म्स का मीनिंग समझ लें एंड देन वी मूव अहेड विद द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स. तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं कुछ टर्म्स डिस्प्ले कर रहा हूं और हम उनका मीनिंग भी डिस्कस करते जाएंगे. सो हमारा टॉपिक बॉन्ड वैल्यूएशन और हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स. जैसा मैंने बताया फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन द फॉलोइंग टर्म्स मस्ट बी क्लैरिफाइड. सबसे पहले आता है फेस वैल्यू, कूपन रेट एंड कूपन पेमेंट्स. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू, कूपन रेट एंड कूपन पेमेंट्स. दोस्तों जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड. किसी बॉन्ड का डिनोमिनेशन, जैसे कोई बॉन्ड 100 रुपीज का बॉन्ड है कि 1000 रुपीज का बॉन्ड है या 100 डॉलर्स का बॉन्ड है, बॉन्ड का जो नॉमिनल वैल्यू, बॉन्ड के फेस पर जो वैल्यू इंस्क्राइब्ड है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. दूसरा टर्म जो है कूपन रेट, कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट विच इज अश्योर्ड बाय द बॉन्ड इशूअर. बॉन्ड को इशू करने वाली एंटिटी ने जो इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया हुआ है इसी इंटरेस्ट रेट को हम कूपन रेट कहते हैं. फ्रेंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की दुनिया में इंटरेस्ट रेट बोलने से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हर अलग अलग इंटरेस्ट रेट को हमने स्पेसिफाई करके एक एक स्पेसिफिक टर्म से आइडेंटिफाई किया हुआ है. इसलिए यहां पर इसे इंटरेस्ट रेट ना कहकर हम कूपन रेट कहते हैं. सो कूपन रेट का फैक्चुअल मीनिंग यही है कि इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड के इश्यूअर ने प्रॉमिस किया हुआ है. कूपन पेमेंट्स क्या होते हैं? कूपन पेमेंट्स आर द पेमेंट्स मेड बाय अप्लाइंग कूपन रेट ऑन द फेस वैल्यू. इन सिंपल वर्ड्स कोई 8% बॉन्ड है, 8% बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 1000 रुपीज है, तो जो कूपन पेमेंट होगा इट विल बी 8% ऑफ रुपीज 1000 यानी रुपीज 80. तो रुपीज 80 का जो बॉन्ड होल्डर को कलेक्शन आएगा हाथ में, यानी पेमेंट मेड बाय द बॉन्ड इश्यूअर टू द बॉन्ड होल्डर फॉर और टुवर्ड्स द कूपन विल बी नोन एज कूपन पेमेंट. तो सिंपल बात यह है टू कंप्यूट कूपन पेमेंट कूपन रेट विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द फेस वैल्यू. तो आप स्क्रीन पर ध्यान देते रहिए, मैं आगे के टर्म्स भी समझाते जाऊं. नेक्स्ट दो टर्म्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इशू प्राइस एंड मार्केट प्राइस. फ्रेंड्स बॉन्ड मार्केट में आपको मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड मार्केट इज क्लासिफाइड इंटू टू सेगमेंट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट बॉन्ड का वो मार्केट है जहां पर बॉन्ड को इशू करने वाली कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है पब्लिक को. दैट मींस वेयर वन साइड अ कंपनी इज इशूइंग बॉन्ड एंड फ्रॉम द अदर साइड द इन्वेस्टर्स और सब्सक्राइबर्स और पब्लिक इन जनरल आर इन्वेस्टिंग इन सच बॉन्ड्स. ऑन द अदर साइड वंस द बॉन्ड्स आर फ्लोटेड, एक बार जब बॉन्ड इशू कर दिए जाए तो उन बॉन्ड का कंटिन्यूस बॉन्ड मार्केट में उन बॉन्ड का कंटिन्यूस ट्रेडिंग होता रहता है, बाइंग एंड सेलिंग होता रहता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द बॉन्ड मार्केट
after the bonds have been issued by the company, wo jo purchase sale ho raha hai among the investors, that happens in secondary market. So friends, primary market ka jo price hai, jis price par issue karne wale ne issue kiya hai, wo hai issue price. Aur secondary market ka jo price hai, yani secondary market mein jo price quote kiya hua hai bond ka kisi bhi date par, wo us date ka, us bond ka market price hua. So hum ye keh sakte hai ki at the time of issue, the issue price and market price will always be same, because us samay jo market jahan par bond transact ya bond ka buying and selling ho raha hai, it is only the primary market at the time of issue. Later stage par primary and secondary market mein se sirf secondary market will play its role. Secondary market mein bond ka trading hota rahega. Market price is the price of the bond prevailing in the secondary market, ye dhyan rakhenge. And issue price of the bond is simply price at which the bond has been issued. The next two terms that we are supposed to discuss, ye hai maturity date and redemption price. Friends, koi bhi bond apne aap mein ek fixed income security hone ke saath saath wo holder ko ek contractual cash flow provide karta hai. यानी बॉन्ड का एक डेफिनेट डेट होगा जिस दिन वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा अपने रिडेम्पशन के लिए. सो बॉन्ड इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड इशू करने वाले ने एज गुड एज एक लोन लिया हुआ है. अनलेस द लोन इज परपेचुअल, देर मे बी परपेचुअल बॉन्ड्स. परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट अनलेस द बॉन्ड इज अ परपेचुअल बॉन्ड, बॉन्ड विल डेफिनेटली हैव अ डेट ऑफ रिडेम्पशन. और वो जो बॉन्ड का रिडेम्पशन डेट है वही है बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट, यानी डेट एट विच द बॉन्ड इज मैच्योर्ड फॉर इट्स रिडेम्पशन और कन्वर्जन इनटू इक्विटी एटसेट्रा, जिस दिन बॉन्ड का लाइफ पूरा होता है. तो कोई बॉन्ड 10 साल के लाइफ का है, वंस 10 इयर्स आर ओवर बॉन्ड इज रेडी फॉर इट्स रिडेम्पशन, दैट इज द डेट वी कॉल दैट एज अ डेट ऑफ मैच्योरिटी. और जब बॉन्ड के रिडेम्पशन पर बॉन्ड इशूअर ने जो प्राइस ऑफर किया हुआ है दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन प्राइस. सो जनरली ऐसा हो सकता है अ बॉन्ड इज इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो 1000 rupees का बॉन्ड वो 10 साल बाद 1050 में रिडीमेबल है. दैट मींस 1050 इज डिक्लेयर्ड टू बी द रिडेम्पशन प्राइस. तो रिडेम्पशन प्राइस इज द प्राइस पेएबल बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड to the holder of the bond upon redemption of the bond or upon maturity of the bond. The next term is intrinsic value. To dosto ek baat main aapko samjha dun, jahan aap keh rahe hain bond valuation, bond valuation ka matlab hota hai bond ki value determine karna. To determine the value of bond is what we call as bond valuation. बॉन्ड की जो वैल्यू आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, बॉन्ड की जो वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, उसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू. तो इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी बॉन्ड होल्ड करके जो होल्डर है उससे फ्यूचर में डेफिनेट कैश फ्लोज मिलेंगे. उन सारे डेफिनेट कैश फ्लोज को आप यदि होल्डर यदि अपने डिजायर्ड रेट से, अपने डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, या अपने डिजायर्ड यील्ड रेट से, या अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करते हुए प्रेजेंट वैल्यू पर ला दे, तो वो जो एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड. तो एक लाइन में डिफाइन करना हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज व्हिच आर रिसीवेबल बाय होल्डिंग द बॉन्ड अंटिल इट्स मैच्योरिटी. द नेक्स्ट टर्म टू डिस्कस इज कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स. चलिए दोस्तों पहले समझ लें कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं. कॉलेबल बॉन्ड्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए जिसका लाइफ रखा है 10 इयर्स, 10 साल. 10 साल में मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आएंगे, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे. नाउ व्हाट हैपेंस, अज्यूम कीजिए कि कंपनी ने कूपन रेट ऑफर कर रखा है 9%. 10 साल तक 9% इंटरेस्ट देते रहना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा कमिटमेंट. 10 साल तक रेगुलरली एवरी ईयर 9% इंटरेस्ट देना, क्योंकि
डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जहां इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, आज मार्केट में 9% इंटरेस्ट चल रहा है, ये ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। इन दैट केस हो सकता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होने लग जाएं, लोग 6% और 7% पर बॉन्ड इशू कर रहे हैं और हमने अभी भी 9% वाला बॉन्ड इशू कर रखा है और वही चल रहा है, करें भी क्या, इसका लाइफ तो अभी पूरा नहीं हुआ है। अज्यूम करेंगे कि इससे बॉन्ड का लाइफ 10 साल का है, तो 10 साल तक कंपनी के लिए कमिटमेंट हो गया है कि हमको 9% कूपन पेमेंट देना होगा। नाउ इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के पास दो रास्ते हैं। नंबर वन, कंपनी को जब लगे कि भाई मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहे हैं तो अपने खुद के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में परचेस कर लो। ओपन मार्केट में परचेस किया हुआ बॉन्ड या डिबेंचर आप कैंसिल कर दो। बट फ्रेंड्स, होगा ये कि आप ओपन मार्केट से परचेस करने जाएंगे तो जो प्राइस चल रहा है उस समय सेकेंडरी मार्केट में, वो आपको पे करके अपने खुद के बॉन्ड्स बाय बैक करने होंगे। बाइंग बैक योर ओन बॉन्ड्स कैन बिकम वेरी एक्सपेंसिव। देयरफॉर व्हाट स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड? जनरली लंबे टर्म का ऐसा कोई बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड इश्यूअर क्या करता है, अपने हाथ में एक अल्टरनेटिव रखता है, अपने हाथ में एक ऑप्शन रखता है, एक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज बेसिकली एन ऑप्शन टू बाय, राइट? ये हमने सीखा है डेरिवेटिव में, कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय। सो इफ देयर इज अ कॉलेबल बॉन्ड, द बॉन्ड इश्यूअर, दैट मींस द कंपनी दैट हैज इश्यूड द बॉन्ड, हैज द राइट टू कॉल बैक द बॉन्ड फॉर प्रीमैच्योर रिडेम्पशन। यानी कि बॉन्ड इशू करने वाली जो कंपनी है उसके पास एक राइट है अपने बॉन्ड को वापस ले लेने का बिफोर मैच्योरिटी, प्री मैच्योर रिडेम्पशन के लिए, यानी बिफोर मैच्योरिटी उसे कॉल किया जा सके। बट यहां पर किसी भी डेट पर कॉल करने से नहीं चलेगा, देर हैज टू बी अ स्पेसिफाइड डेट, देर हैज टू बी अ स्पेसिफाइड प्राइस। ये जो स्पेसिफाइड डेट होती है इसे कहा जाता है कॉल डेट, और जो स्पेसिफाइड अमाउंट होता है ऐसे कॉल करके रिडेम्पशन करने के लिए इसे कहा जाता है कॉल प्राइस। तो कॉल प्राइस पे करके कॉल डेट पर कॉलेबल बॉन्ड का रिडेम्पशन किया जा सकता है। आई एम श्योर आप बातें सुनकर कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, इफ आई रिपीट, व्हेन इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड हैज द राइट टू कॉल बैक द बॉन्ड फॉर प्रीमैच्योर रिडेम्पशन एट अ स्पेसिफाइड डेट नोन एज कॉल डेट, एट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन विच इज नोन एज कॉल प्राइस। तो कॉल प्राइस पहले से फिक्स्ड है, कॉल डेट पहले से फिक्स्ड है, तो बॉन्ड के साथ साथ एक ऑप्शन अटैच्ड हुआ ना, एक टाइप का एम्बेडेड डेरिवेटिव, एक टाइप का एम्बेडेड डेरिवेटिव, क्योंकि बॉन्ड के साथ एक ऑप्शन अटैच्ड है, उस बॉन्ड को बाय बैक करने का राइट है किसके पास, जिस कंपनी ने इस बॉन्ड को इशू किया है। अब जरा रिवर्स सिनेरियो पर जाते हैं। सपोज बॉन्ड होल्डर को राइट दे दिया जाए कि भाई आप 10 साल तक वेट मत करो, आपको 10 साल के एक्सपायरी से पहले ही अपना बॉन्ड रिडीम करवा लेना है, तो अपने बॉन्ड का रिडेम्पशन आप क्लेम कर सके, तो यू हैव अ राइट टू सेल बैक द बॉन्ड टू द इश्यूअर, यू हैव द राइट टू सेल इट बैक टू द कंपनी। पुट ऑप्शन इज द राइट टू सेल, करेक्ट? यही सीखा है हमने। तो पुटेबल बॉन्ड विल बी अ बॉन्ड विच इंक्लूड्स अ राइट इन द हैंड्स ऑफ द बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर के हाथ में राइट है कि वो अपना बॉन्ड, होल्ड किया हुआ बॉन्ड, कंपनी को, इश्यू करने वाली कंपनी को वापस सेल कर सके, यानी कि मैच्योरिटी से पहले उसका रिडेम्पशन क्लेम कर सके। बट वही बात, कौन सा प्राइस होगा और वो कौन सी डेट होगी जिस दिन ये एक्सरसाइज किया जा सकता है, दिस विल बी प्री डिसाइडेड। दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कॉल डेट एंड कॉल प्राइस क्या होता है, और अब आगे बढ़ें और समझें करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी एंड यील्ड टू कॉल, ये तीनों क्या हैं। सबसे पहले करंट यील्ड, किसी बॉन्ड को होल्ड करके आप कितना रेट ऑफ रिटर्न अपने लिए अर्न कर सकते हैं, किसी बॉन्ड को होल्ड करके आप कितना रेट ऑफ रिटर्न खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो भाई ये रेट तो बॉन्ड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हुआ,
बॉन्ड का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये कहलाता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी बॉन्ड को अभी से लेकर मैच्योरिटी तक होल्ड करे रहने से आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जो बॉन्ड का आईआरआर होगा वो कहलाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। ये बॉन्ड कॉलेबल बॉन्ड हुआ तो आईआरआर ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम नाउ टिल द कॉल डेट, यानी मैच्योरिटी तक का रेट ऑफ रिटर्न नहीं, रेट ऑफ रिटर्न अंटिल द कॉल डेट, दैट पार्ट ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न और दैट आईआरआर ऑफ द बॉन्ड विच इज अप टू द कॉल डेट विल बी नोन एज यील्ड टू कॉल। तो फ्रेंड्स, यील्ड टू मैच्योरिटी एंड यील्ड टू कॉल दोनों का मीनिंग काफी मिलता जुलता है, बोथ आर आईआरआर ऑफ द बॉन्ड। चलिए एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉन्ड जो अभी इशू किया गया है जिसका लाइफ 10 साल का है, 5 साल बाद मतलब आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू द बॉन्ड इज कॉलेबल इन द हैंड्स ऑफ द इशूअर, इशूअर के पास राइट है उसे वापस लेने का। अब होल्डर को मालूम है कि भाई मैंने बॉन्ड होल्ड किया है, मैं चाहता हूं कि 10 साल तक मैं बॉन्ड को होल्ड करूं, बट बॉन्ड को इशू करने वाली कंपनी ने 5 साल बाद बोला भैया लाओ हमारा बॉन्ड वापस, ये लो तुम्हारे पैसे, तब क्या होगा? तब होगा ये कि बॉन्ड की मैच्योरिटी आने से पहले ही बॉन्ड हो जाएगा खत्म, बॉन्ड का रिडेम्पशन हो जाएगा बिफोर मैच्योरिटी। तो जो बॉन्ड होल्डर है वो दो दो रेट कैलकुलेट करके रखेगा कि भाई कंपनी ने कॉल बैक नहीं किया बॉन्ड तो भाई बॉन्ड का आईआरआर हम एंजॉय करेंगे टिल इट्स मैच्योरिटी, और कंपनी ने कॉल बैक कर लिया बॉन्ड को एट इट्स कॉल डेट विच इज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो 5 साल का जो आईआरआर आएगा दैट विल बी द यील्ड टू कॉल। तो यील्ड टू मैच्योरिटी एंड यील्ड टू कॉल दोनों के दोनों ये बॉन्ड के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। यील्ड टू मैच्योरिटी इज द आईआरआर ऑफ द बॉन्ड अंटिल इट्स मैच्योरिटी, वेयर एज यील्ड टू कॉल इज द आईआरआर ऑफ द बॉन्ड अप टू इट्स कॉल डेट। अब बात आती है करंट यील्ड की। तो फ्रेंड्स, करंट यील्ड मतलब भाई मैच्योरिटी छोड़ दो, कॉल डेट भी छोड़ दो, आप ये बताओ कि करंट ईयर में कितना कमाओगे, व्हाट रेट ऑफ रिटर्न यू विल जनरेट। तो एक बॉन्ड जिसका इशू प्राइस 1000 रुपीज है, उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 1100, मतलब बात बड़ी क्लियर है कि आई विल हैव टू इन्वेस्ट 1100 टुडे टू बाय दिस बॉन्ड। अब सपोज इस बॉन्ड का कूपन पेमेंट है ₹90, तो हम सीधा हिसाब लगाएंगे कि आज 1100 इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक साल बाद कूपन पेमेंट मिलेगा ₹90, दैट्स ऑल। सो इस साल का मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 90 divided by 1100, ये करंट ईयर का जो रेट ऑफ रिटर्न मैं अर्न कर रहा हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज करंट यील्ड। नेक्स्ट इन द कॉन्सेप्ट इज टू अंडरस्टैंड जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। अब दोस्तों, आईपीसीसी में आपने जीरो कूपन बॉन्ड्स और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। चलिए मैं आपको याद दिला दूं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन मतलब इसमें कोई कूपन पेमेंट नहीं होगा। आप आज बॉन्ड का इशू है, सब्सक्राइब कर लो और सीधे मैच्योरिटी पर आना, हम आपको आपके पैसे वापस कर दें। तो यानी ये बात हो गई कि बिना इंटरेस्ट का कोई हमसे लोन ले रहा है। बात यहां पर ऐसी है, लोन तो बिना इंटरेस्ट का है बट इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस में सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है। दैट मीन्स इशू प्राइस को सपोज 1000 रुपीज का बॉन्ड हमने 1000 में इशू किया बट इसका रिडेम्पशन जो होगा वो 1600 पर होगा। यानी आज कोई इन्वेस्टर 1000 इन्वेस्ट कर रहा है तो मे बी 5 साल बाद उसे 1600 वापस मिल जाए, तब तो बात बनी ना। तो इंटरेस्ट एक एक साल देने के बदले, कूपन पेमेंट हर साल देने के बदले बॉन्ड की वैल्यू को बढ़ने दिया जाता है और एक साथ लमसम बड़ा अमाउंट बॉन्ड होल्डर के हाथ में दे दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। सच बॉन्ड इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड के दो स्टाइल्स हो सकते हैं, इट मे बी इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट अ हेवी अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और इट मे बी रिडीमेबल एट पार बट इशूड एट अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट। यानी हम रिडेम्पशन एट पार करेंगे बट हमने इशू किया उसको बहुत लो प्राइस पर। जब जीरो कूपन बॉन्ड को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड वैल्यू पर इशू किया जाए एंड इट इज रिडीमेबल एट पार,
उस जीरो कूपन बॉन्ड को ज्यादा स्पेसिफिक टर्म्स में हम कहेंगे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड को मुझे डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज सच अ जीरो कूपन बॉन्ड। बात पर ध्यान देंगे, अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज सच अ जीरो कूपन बॉन्ड विच इज इशूड एट अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट, एट अ हेवी डिस्काउंट, बट रिडीमेबल एट पार। तो फ्रेंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड एक बड़ा टर्म है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज अ कैटेगरी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। कहने का मतलब यह कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड में आपको जीरो कूपन बॉन्ड के सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, बट जीरो कूपन बॉन्ड इज स्टिल अ ब्रॉडर टर्म। सो आई एम श्योर आपने मीनिंग समझ लिया डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स का। आइए अब नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करें, दैट इज एन्युइटी बॉन्ड्स। फ्रेंड्स, एन्युइटी बॉन्ड्स जैसा नाम दिया हुआ है एन्युइटी, इसमें ना कूपन पेमेंट होगा ना रिडेम्पशन होगा, ना कूपन पेमेंट ना रिडेम्पशन। हर साल आपको एक डेफिनेट अमाउंट, जो सेम अमाउंट होगा वो दिया जाएगा। दैट मीन्स द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन्युइटीज। एन्युइटीज यानी सेम अमाउंट के फॉर्म में आपको प्रिंसिपल का पार्ट रीपेमेंट और इंटरेस्ट आपको हर साल मिलते जाएगा। तो यानी यहां पर कोई कूपन रेट, कोई कूपन पेमेंट नहीं होंगे, कोई रिडेम्पशन वैल्यू नहीं होगा। देयर विल बी स्ट्रेट अवे यू परचेज दिस बॉन्ड एंड यू विल बी गेटिंग अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज ईच ईयर विच आर कॉल्ड एन्युइटीज, और ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है एन्युइटी बॉन्ड्स। दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट बॉन्ड स्ट्रिप्स। बॉन्ड स्ट्रिप्स क्या होती है? तो स्ट्रिप अपने आप में एक एब्रिविएशन है, इसका डिटेल्ड मीनिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा एट अ लिटिल लेटर स्टेज, जब आपको बॉन्ड्स के बाकी सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। जस्ट आपके ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी बॉन्ड को आप होल्ड करते हैं तो दो अलग अलग स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो आपको मिलते हैं, एक कूपन पेमेंट और एक प्रिंसिपल का रिडेम्पशन। यानी एक मिलेगा आपको इंटरेस्ट और एक मिलेगा प्रिंसिपल का रिडेम्पशन। सो जो कूपन पेमेंट्स मिलने वाले हैं, वी कॉल दिस पार्ट और दिस स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो एज इंटरेस्ट स्ट्रिप। और जो पेमेंट होने वाला है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जो रिडेम्पशन प्राइस हमें मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रिप। ऐसे बॉन्ड्स जिसमें आप प्रिंसिपल स्ट्रिप और इंटरेस्ट स्ट्रिप का ट्रेडिंग अलग अलग कर सकें, इन्हें कहा जाता है बॉन्ड स्ट्रिप्स। तो मैंने बताया, ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बॉन्ड स्ट्रिप्स का। मैं डिटेल में इसे डिस्कस करूंगा व्हेन वी अराइव एट दैट एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, यहां पर बेसिक टर्म्स में कॉन्सेप्ट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, लाइक पार बॉन्ड्स, प्रीमियम बॉन्ड्स एंड डिस्काउंट बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, सीसीडीज एंड ओसीडीज। सीसीडी मतलब कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर, ओसीडी मतलब ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, स्टॉक वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कन्वर्जन प्रीमियम, क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस, एंड ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड, कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड पोर्टफोलियो, इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, ये सारे टर्म्स मैं एक साथ अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज इट विल अननेसेसरली क्रिएट सम कंफ्यूजन। हम इन सारी बातों को डिटेल में सीखेंगे। ये टर्म्स आपके सामने रखे इसलिए गए सो दैट आपको मालूम तो होना चाहिए कि हमें और आगे इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखना है।